अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां एक बाइक सवार ने लेडी सूबेदार के मुंह पर 500 रुपए नोट मार दिया। इससे गुस्सा आई लेडी सूबेदार ने उसे ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए। एक अन्य बाइक सवार की भी पिटाई कर दी। युवक चालान काटने से नाराज था। ग्वालियर में बाइक सवार को थप्पड़ मारते लेडी सूबेदार का वीडियो सामने आया है। हेलमेट नहीं पहनने पर लेडी सूबेदार ने बाइक सवार को रोका तो वह बहस करने लगा। इसके बाद बाइक सवार ने जेब से 500 रुपए का नोट निकाल कर लेडी सूबेदार के मुंह पर फेंक दिए। इससे उन्हें इतना गुस्सा आया कि बाइक सवार को थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने वहीं पर खड़े एक अन्य बाइक चालक को भी थप्पड़ मारा। पास में खड़े एक राहगीर ने लेडी सूबेदार का थप्पड़ मारने का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। SSP अमित सांगी ने घटनाक्रम की जांच के आदेश दिए हैं। शहर में हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को गांधी रोड स्थित मोटेल तानसेन तिराहे पर सूबेदार सोनम परासर और ट्रैफिक जवान चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक बाइक सवार को हेलमेट न लगाने पर रोका तो वह लेडी सूबेदार से बहस करने लगा। कुछ देर बहस के बाद उसने पर्स से 500 रुपए का नोट निकाला और सीधे लेडी सूबेदार के मुंह पर फेंक दिया। इस पर लेडी सूबेदार ने युवक को थप्पड़ मारे। उन्होंने दूसरे बाइक सवार को भी थप्पड़ जड़ दिए। यहां मौजूद अन्य लोगों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। इसके बाद बाइक सवार यहां से चला गया। कोर्ट के आदेश पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर पूरे प्रदेश की कार्यवाही की जा रही है। पिछले 2 दिनों से धरपकड़ कर चालान बनाए जा रहे हैं। सुबह से रात तक शहर के अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात थी। सुबह और शाम को 3-3 घंटे जांच की गई। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 700 वाहन चालकों पर कार्यवाही कर चालान काटे। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी कार्यवाही की है। तो वो सुनता रहा और मेरे मुंह पे 500 रुपए निकाल के उसने फेंके, चल काट चालान। ऐसे उन्होंने मतलब अभद्र शब्दों का मेरे साथ प्रयोग किया, जिस पर मैंने चालक को समझाया कि आप एक महिला अधिकारी से किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो मेरे को मारने के लिए आगे आया और मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको धक्का वगैरह मेरे से हो गया था।